बेटा लास्ट क्लास में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फिनिश किया था, आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। परंतु ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, प्रोफेसर जे आर हिक्स ने हमें क्या समझाया, मॉडर्न थॉट प्रोसेस क्या था, ये जानने से पहले जरा क्लासिकल को क्रिटिसाइज कर लें। जब पुराने वाले कंसेप्ट की कमियां पता लगेंगी, उनकी गलतियां पता लगेंगी, तभी तो नया कंसेप्ट समझ में आ पाएगा। तो चलिए जरा सबसे पहले देखते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्रिटिसिजम्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूं तो हमारे पास बहुत सारी क्रिटिसिजम्स हैं, बट फॉर द नेक्स्ट अप्रोच हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे बेसिस हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें कहा था यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। बट प्रोफेसर जे आर हिक्स कहते हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, प्रोफेसर हिक्स कहते हैं, भाषा पे ध्यान, नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं कहा कि निकाल नहीं सकते, निकाल तो सकते, हमने निकालना सिखाया है यूटिल्स की फॉर्म में, परंतु क्या कहा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों नहीं है? बिकॉज हिक्स कहते हैं, बिकॉज बींग अ सब्जेक्टिव इन नेचर, बींग अ सब्जेक्टिव इन नेचर, It can be easily expressible by giving ranks. प्रोफेसर हिक्स का मानना है यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। पढ़ के आए हैं आप पहले, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इसलिए इसे मनी की मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसे ज्यादा आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे? अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी चॉइसेस को ऑर्डरिंग करके, अपनी चॉइसेस को ऑर्डरिंग करके। ऑर्डरिंग करने का मतलब होता है रैंकिंग करना, रैंकिंग लाइक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। रैंकिंग करना मतलब ऑर्डरिंग करना, ऑर्डरिंग ऑफ चॉइस। और बेटा इसीलिए, क्योंकि यहां हम अब अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रैंक्स देकर मेजर करने जा रहे हैं, ऑर्डरिंग करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आपको नाम पता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, आज पता लग गया क्यों कि इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्यों कहा, क्यों कहा, बिकॉज नाउ We only measures the utility. किस फॉर्म में? By giving ranks, not quantifying it. अब हम यूटिलिटी को सिर्फ मेजर करेंगे बेटा, क्वांटिटीफाई नहीं करेंगे। इफ यू रिमेंबर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मेजर्स एंड क्वांटिटीफाई द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ओनली measures the utility, not quantifying it. अब हम सिर्फ measure करेंगे, ranks की form में उसे quantify नहीं करेंगे। भाई मेरे लिए कहना ज्यादा आसान नहीं है कि मुझे गोभी के परौंठे आलू के परौंठों से ज्यादा अच्छे लगते हैं। कंपेयर कर लिया कि अगर मुझे गोभी और आलू दोनों में से चॉइस करनी है तो मैं किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं? गोभी को फर्स्ट रैंक उसका, सेकेंड रैंक उसका। यह कहने की जरूरत थोड़ा है कि गोभी का अच्छा लगता है क्योंकि वो 50 रुपए का आता है, आलू का अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो 40 का आता है। मनी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कहना ज्यादा आसान नहीं है कि मुझे तिलक नगर वाली मासी से अमृतसर वाली मासी ज्यादा अच्छी लगती है। लव एंड अफेक्शन, ये कहने की जरूरत थोड़ा है कि भैया जब भी अमृतसर वाली आती है तो 2000 रुपए का नोट देके जाती है, तिलक नगर वाली जब भी आती है तो ऐसे ही बस बेटा खुश रहो क्या चली जाती है। मनी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, नो नीड एट ऑल। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है।
सो सब्जेक्टिव है तो मनी की आवश्यकता है ही नहीं. ज्यादा आसान तरीका क्या है, अपनी चॉइसेस को प्रेफरेंस दे दो. और अपनी चॉइसेस को प्रेफरेंस दोगे तो क्या करोगे, ऑर्डरिंग करोगे. ऑर्डरिंग करने का मतलब है उसको रैंक दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इत्यादि, इस तरह से रैंक दोगे और रैंकिंग करोगे, ऑर्डरिंग को रैंकिंग करोगे. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई मान लेते हैं मेरे पास चार अलग अलग वस्तुएं हैं, एक दो तीन चार. मुझे इन चारों वस्तुओं से यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है, यूटिलिटी को मेजर करना है. अगर मैं मनी मेजरमेंट का इस्तेमाल करता हूं तो कहता हूं भाई मुझे सबसे अच्छा ये लगा, भाषा पे ध्यान, सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि ये 50 रुपए का आता है, फिर ये अच्छा लगा क्योंकि ये 40 का आता है, फिर ये अच्छा लगा क्योंकि ये 25 का आता है, फिर ये अच्छा लगा क्योंकि ये 5 का आता है. दिस इज व्हाट मनी मेजरमेंट. ये कौन सा मेजरमेंट है, और हिक्स कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है इसकी. क्यों, क्योंकि ज्यादा आसान तरीका क्या था कि भाई मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरे लिए, पहले मैं ये लेना चाहूंगा, फिर मैं ये लेना चाहूंगा, फिर मैं ये लेना चाहूंगा और अल्टीमेटली मैं ये लेना चाहूंगा. दिस इज व्हाट ऑर्डरिंग. मैंने क्या किया, ऑर्डरिंग कर दिया. कैसे ऑर्डरिंग कर दिया, रैंक्स देकर. और रैंकिंग करना, ऑर्डरिंग करना, प्रेफरेंसेस को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहला गया. इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होगा. रिमेंबर इन दिस अप्रोच वी ओनली मेजर द यूटिलिटी बाय गिविंग द रैंक्स, नॉट क्वांटिटीफाइंग इट. अब हम सिर्फ यूटिलिटी को मेजर करेंगे रैंक देकर, उसे किसी भी रूप में क्वांटिटीफाई नहीं किया जाएगा. क्लियर है. सेकेंड, प्रोफेसर जे आर हिक्स कहते हैं, मार्शल साहब ने कहा था देर इज वन कमोडिटी मॉडल, वन कमोडिटी मॉडल, द कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम अ सिंगल कमोडिटी कंटिन्यूअसली. प्रोफेसर मार्शल कहते हैं आप लगातार एक ही वस्तु को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मैक्सिमम की ओर बढ़ते हैं, और जब आप मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड दैट्स योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. प्रोफेसर हिक्स कहते हैं नो, दिस इज प्रैक्टिकली रॉन्ग. वन कमोडिटी कंजम्पशन एज पर द हिक्स ओपिनियन इज प्रैक्टिकली रॉन्ग. वो कहते हैं ये गलत है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ कंज्यूमर्स जनरली कंज्यूम नंबर ऑफ गुड्स एट द सेम टाइम. आप तो बहुत सारी वस्तुएं एक साथ कंज्यूम करते हैं. इमेजिन कीजिए भाई मान लेते हैं, और वो हमारा दीपांक कहां गया भाई, दीपांक नहीं आया, कहां गया, वैलेंटाइन मना गया. अच्छा भाई मान लेते हैं ये हमारे भाई साहब आगे बैठे हैं चश्मे वाले, क्या नाम है जरा, दोनों आशीष सात्विक भाई, जिसका भोजन और नाम सात्विक हो बंदा भी कितना सात्विक होगा है. चलो सात्विक को पकड़ लेते हैं भाई. सात्विक का ब्रेड बटर खाने का मन कर रहा है, सात्विक का मन कर रहा है ब्रेड बटर खाने का. अगर मैं मार्शल के कंसेप्ट को पकड़ूं, ब्रेड बटर खाने के तरीके को पकड़ूं, तो सात्विक क्या करेगा, पहले दो स्लाइस लेगा ब्रेड की, उन्हें टोस्टर में टोस्ट कर लेगा, उसके बाद वो दोनों स्लाइस खा लेगा, फिर मक्खन उठाएगा, एक चम्मच मक्खन उठाएगा और मक्खन भी खा लेगा, और ऐसे ऐसे करके हिलेगा, हो गया ब्रेड बटर. कैसे खाता है ब्रेड बटर सात्विक, नहीं. क्या हम ऐसे खाते हैं ब्रेड बटर, नहीं. हम तो क्या करते हैं, ब्रेड पर बटर लगाकर कंज्यूम करते हैं, अलग अलग तो नहीं खाते. अगर हम मार्शल के हिसाब से चलें तो रात के डिनर की थाली, ये रात के डिनर की थाली बन गई, खाली है, भर देते हैं. इसमें एक कटोरी में शाही पनीर, एक कटोरी में दाल मखनी, थोड़ा सा सलाद और थोड़ी सी चपातियां. अगर रात के डिनर की थाली से कितनी यूटिलिटी मिली, भाषा पे ध्यान दो, रात के डिनर की थाली से कितनी यूटिलिटी मिली अगर मार्शल के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, तो हमारा खाने का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम सारा का सारा शाही पनीर पहले एक साथ खा जाएंगे इकट्ठा, फिर सारी दाल एक साथ पी जाएंगे, फिर सारा सलाद एक साथ खा जाएंगे, फिर सारी के सारी चपातियां एक साथ खा लेंगे. क्यों, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं की यूटिलिटी अलग अलग होती है. और फिर इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास रात के डिनर की थाली से टोटल यूटिलिटी आ जाएगी. क्या आपका खाने का बिहेवियर ऐसा है, आप ऐसा तो नहीं खाना खाते हैं, आप तो कभी चपाती के साथ दाल खाते हैं, कभी बीच में दाल के साथ पनीर भी खाते हैं, कभी कभी बीच में अचार या सलाद भी खाते हैं, मींस मिक्स करके खाते हैं ना. तो ध्यान से देख लीजिए, आप प्रैक्टिकली एक ही वस्तु लगातार कंज्यूम नहीं करते,
आप तो बहुत सारी वस्तुएं कंज्यूम करते हैं, परंतु बहुत सारी वस्तुओं को तो ग्राफिकली प्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ दो ही एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और। इसलिए प्रोफेसर जे आर हिक्स ने अपनी अप्रोच को नंबर ऑफ गुड्स से रिड्यूस करके दो पर लगा दिया, दिस इज टू कमोडिटी मॉडल। वो कहते हैं कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम एटलीस्ट टू गुड्स एट द सेम टाइम, उसे कम से कम एक साथ दो वस्तुएं तो कंज्यूम करनी ही होती हैं, एक लगातार कंज्यूम नहीं करता, वो कम से कम दो वस्तुएं एक साथ कंज्यूम करता है। अब ये थोड़ा कि नींबू पानी पीना है तो बेटा पहले पानी पी लिया ऊपर से नींबू निचोड़ लिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी, अच्छा ही नहीं है ना। दो कमोडिटीज यार, जब मैंने कहा टू कमोडिटीज हैज टू कंज्यूम एट द सेम टाइम तो दिमाग में घंटी बजी, टन, दो वस्तुएं एक साथ कंज्यूम करनी हो तो वो कैसी होनी चाहिए, इधर रिलेटेड या नॉन रिलेटेड भी चलेंगी, रिलेटेड ही होनी चाहिए, नॉन रिलेटेड तो नहीं चलेंगी भाई। ब्रेड बटर समझ में आता है, ब्रेड जैम समझ में आता है, ब्रेड और दाल है वो भी समझ में आता है, ब्रेड और सब्जी है वो भी समझ में आता है, ब्रेड और आयोडेक्स, भाई घुटनों में दर्द हो रहा है, मम्मी ने कहा ऐसा कर ब्रेड पर लगा के आयोडेक्स खा ले, हे राम, ये तो समझ में नहीं आया, कोई कोरिलेशन नहीं बना, मतलब है ही नहीं है भाई, साथ में खाना खाएंगे ना भाई, ये तो खाना, ये तो तामसिक हो गया कोई कोरिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन रिलेटेड। यार मैं सोच रहा हूं आज ना वैलेंटाइंस डे है तो चॉकलेटें खा लेता हूं, नहीं यार रहने तो बैंगन ही ठीक है, नहीं यार ये क्या कोरिलेशन हुआ, चॉकलेट और बैंगन में क्या तालमेल है, कोई तालमेल ही नहीं है, मतलब चॉकलेट के साथ बैंगन की सब्जी कोई खा रहा हो, सात्विक खाना तो नहीं चलेगा। सो जब बात करते हैं दो वस्तुएं एक साथ कंज्यूम करनी हो तो आपने क्लियर कर लिया दीज मस्ट बी रिलेटेड गुड, दीज मस्ट बी रिलेटेड गुड्स, टू गुड्स मस्ट बी रिलेटेड। जैसे ही मैंने कहा ये रिलेटेड होने चाहिए, आपके दिमाग में दूसरी घंटी बजी, टन, रिलेटेड वस्तुएं होंगी तो क्या वो इक्वली प्रेफरेबल होंगी या नॉन इक्वली प्रेफरेबल होंगी, दोनों की प्रेफरेंस बराबर या दोनों की प्रेफरेंस अलग अलग, ऑब्वियस है, जब मुझे दो वस्तुएं कंज्यूम करनी है तो दोनों इक्वली प्रेफरेबल तो नहीं होंगे ना बेटा, ये थोड़ा ना है कि रात के डिनर की थाली के अंदर मुझे दो कटोरियों में सब्जी भरनी है और मुझे शाही पनीर बहुत पसंद है, मैं दोनों में ही शाही पनीर भर के ले आऊंगा, लोग कहेंगे साला भुक्कड़ है, एक में दाल भरूंगा एक में शाही पनीर भरूंगा, जो ज्यादा पसंद होगा उसको ज्यादा लूंगा, जो कम पसंद होगा उसको कम लूंगा, क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वली प्रेफरेबल, वन इज मोर प्रेफरेबल देन द अदर, दोनों बराबर प्रेफरेबल नहीं है, रिलेटेड हैं बट नॉट इक्वली प्रेफरेबल, नॉट इक्वली प्रेफरेबल। जैसे ही मैंने कहा ये दो वस्तुएं हैं एक साथ कंज्यूम करनी है जो कि इक्वली प्रेफरेबल भी नहीं है, हमारे दिमाग में चौथी घंटी बजी, टन, आज घंटियां बदबू रही है, टन टन टन, रिलेटेड गुड्स भी तो दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड, तो फिर ये कौन से होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, हाँ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते भाई, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में एक को लेने पर दूसरे को लेना पड़ेगा, एक को लेने पर दूसरे को लेना, ज्वाइंट डिमांड है ना, एक लिया दूसरा लेना, चॉइस ही नहीं है मेरे पास, आई वॉन्ट हैव एनी चॉइस, और कंज्यूमर के पास तो चॉइस है ना कि एक ज्यादा लूंगा एक कम लूंगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में एक लिया है दूसरा लेना पड़ेगा, कंज्यूमर ऐसी कोई चीज लेना चाहता है जो पड़ेगी, अब पड़े पड़े की बात नहीं, हमारी मर्जी है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं ना, तो कौन से हो सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में चॉइस पॉसिबल है ना, सब्स्टिट्यूट में चॉइस पॉसिबल है, तो ये कौन से होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट, जैसे ही मैंने कहा ये सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, आपके दिमाग में पांचवी घंटी बजी, टन, देखो वैलेंटाइंस पे कितनी घंटी बजी आज, आपके दिमाग में पांचवी घंटी बजी, टन, अरे भाई
सब्स्टिट्यूट भी तो दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट तो दो तरह के होते हैं, पढ़ाया है मैंने, कौन कौन से? क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो फिर ये कौन से होने चाहिए, क्लोज या परफेक्ट? क्या परफेक्ट हो सकते हैं? ना, परफेक्ट में भी कोई चॉइस नहीं है, दोनों तो बिग में एक समान है, दोनों ही कटोरियों में शाही पनीर, परफेक्ट भी नहीं हो सकते, तो फिर बच गए कौन से? तो इसका मतलब दिस इज टू कमोडिटी मॉडल विच आर रिलेटेड गुड्स एंड नॉट इक्वली प्रेफरेबल एंड ओनली क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। तो रिमेंबर, अब हम टू कमोडिटी मॉडल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कंज्यूमर सिर्फ अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा है रैंक्स देकर, उसे क्वांटिफाई नहीं कर रहा, और इस अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हिक्स ने लिखा है इसलिए इसको कुछ लोग हिक्सन अप्रोच भी कह देते हैं, मॉडर्न थॉट है इसलिए कुछ लोग इसको मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कह देते हैं, सबका मतलब एक। प्रोफेसर जे आर हिक्स ने हमारे बिहेवियर को सबसे साइंटिफिकली बेटर पढ़ा है, सबसे अच्छा इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने वो पढ़ा है जो एक्चुअली भारतीय सभ्यता थी, अपनी सभ्यता तो पढ़ी नहीं इन्होंने, और हम भारतीय बेवकूफ हैं, अपनी सभ्यता इनके नाम से पढ़ रहे हैं, क्या करें बेटा, अंग्रेज जो कहते हैं हमारे देश में उसी को सही माना जाता ना, हमारे जो सन्यासियों ने कहा था उसको कोई सही मानता ही नहीं है, हमारे सन्यासियों ने बरसों पहले 5000 साल पहले कहा था कि भैया गाय के गोबर से खेती किया करो, गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया करो, उसमें आपको शरीर के अंदर बेहतर तरीके के विटामिन्स मिलते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। अंग्रेज भारत में आए, बोले यू डर्टी पीपल, गाय का गोबर, यूज द यूरिया, यूज द फर्टिलाइजर, यूज द केमिकल्स, ग्रो योर प्रोडक्शन, इंक्रीज योर इनकम, डर्टी पीपल, गाय का गोबर यूज करते हैं। आज वही अंग्रेज हैं तो पूरे हिंदुस्तान का छोड़ो पूरे विश्व में गाते फिर रहे हैं, क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग? अंग्रेज कर रहे हैं, अब सारे भारतीय भी कर रहे जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे भैया हमारे सन्यासी पहले यही कहते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नथिंग एल्स। तो ये हमारी कमी है, क्या करें, कोई बात नहीं, जो भी है पढ़ना तो है ही है ना। हिक्स साहब ने हमारे बिहेवियर को सबसे अच्छा पढ़ा, क्या पढ़ा? उन्हें पूछा हाउ द कंज्यूमर डिटरमाइंस इट्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे बनाता है जी? तो चलो जरा विजुअलाइज कर लेते हैं। मुझे आम पसंद है, मैं आम खाना पसंद करता हूं, बाजार गया, फल वाले से पूछा भाई 1 किलो आम दे दो, बोला जी इस मौसम में आम कहां मिलेंगे, सेब खा लो और डॉक्टर से दूर रहो। उसने मुझे 1 किलो सेब दे दिया उतने ही पैसों में, एम आई फुली सेटिस्फाइड? रेनोल्ड पेन से भी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, अभी तो कम अच्छी आती है, रेनोल्ड पेन से बहुत अच्छी आती है, मुस्कुरा के धीरे में कह रहा था कि अच्छी आती है, रेनोल्ड पेन से बहुत अच्छी आती है। मैं दुकानदार के पास गया, बोला भाई एक रेनोल्ड पेन दे दो, उसके बाद रेनोल्ड खत्म हो गया था, उसने बिल्कुल मिलता जुलता एक समान दिखने वाला उसी कीमत का उसी रंग का रोटोमैक का पेन दे दिया, एम आई फुली सेटिस्फाइड? क्यों, क्यों नहीं हूं? क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब वो जो चाहता है उसे वो मिले। ये दो बातें, पहली बात आप क्या चाहते हैं, दूसरी बात आप क्या ले सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं उस तरफ से कि आप ले क्या सकते हैं, क्या ले सकते हैं। आपने 12th क्लास के एग्जाम दिए, आपके पापा ने कहा भाई अगर तू 90% प्लस नंबर लाएगा तो तेरी पसंद की बाइक लेके दूंगा, जो तुझे पसंद है वो लेके दूंगा। आपके पापा ने पूछा भाई कौन सी पसंद है, आपने बोला हायाबूसा, अब पापा को समझ में आया मारू घूसा, बोले होगा कोई बाइक का नाम, अब उनको क्या पता कौन सी बाइक आजकल आती है, होगा कोई बाइक का नाम, ठीक है ले दूंगा, तेरी पसंद है ना, पर 90% बाइक लेके आई हो। अब पापा ने हां कर दी, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ गया, आपने खूब मेहनत करी, दबा के मेहनत करी,
और 95% मार्क्स ले आए। रिजल्ट आया, पापा के सामने एक कॉपी रखी, बोले पापा आपने कहा था कि आपकी पसंद की बाइक लेकर दूंगा। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल कहा था लेकर दूंगा, ये ले 50,000 रुपए जो आती है ले आ। 50,000 रुपए तो स्प्लेंडर ही आती ही, क्या मतलब। जब आपने ये बताया कि आप क्या लेना चाहते हैं तो आप इग्नोर कर गए। इधर आ मेरे बच्चे, इधर आ मेरे पास आ। कहां गया था दीपांक? आज बहुत स्मार्ट बन के आया है, कहीं जाने के लिए आया है, आया था कहीं से, जाएगा कहीं पर, तो आने जाने वाले कभी हमारी तरफ भी देख लिया कर। वाह ये तो शेर बन गए यार, आया था कहीं से जाएगा कहीं पर, वो आने जाने वाले कभी हमारी तरफ भी देख लिया कर। वाह यार क्या बात है, आज तो वैलेंटाइन पे तेरे देख के शायरी निकल आई अंदर से। ऐसे होता बेटा कभी कभी किसी बच्चे को देख के मेरे अंदर से बदतमीजी भी निकलती है। बैठ जा लेट इंसान, कहां था तू, हम तेरे याद कर रहे थे, तेरे चक्कर में सातवीं लिपट गया बेचारा। हाँ बिल्कुल बेटा, चेंज कभी कभी नहीं, चेंज हमेशा होना चाहिए। द ओनली परमानेंट थिंग इज दिस वर्ल्ड इज द चेंज, जो बदलता नहीं है वो बदल जाता है। फैक्ट है, परिवर्तन संसार का नहीं है बेटा, इसलिए बदलते रहो, परंतु अपना स्वभाव नहीं, अपनी प्रकृति नहीं। कपड़े बदलो, स्वभाव प्रकृति नहीं, लोग तो अपना स्वभाव प्रकृति बदल देते हैं। सांप ने कभी प्रकृति बदली अपनी? बिच्छू ने कभी प्रकृति बदली अपनी? ना। तो ऐसे ही बेटा अच्छे लोगों ने अपनी प्रकृति क्यों बदल दी? एक बात, माता पार्वती जो है वो भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए जो है वो जल लेने के लिए गई सागर की ओर, तो देखा तो वहां पर जो है वो बिच्छू था। अब उनको जल लेना था वहां से, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बिच्छू का तो क्या हो गया, जल के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया बिच्छू ने काट लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिच्छू ने उनको काटा, उन्होंने आराम से बिच्छू को पकड़ा और यहां छोड़ दिया। एक सन्यासी देख रहा था, कह रहा था आपको बिच्छू ने काटा, आपने उसको कुछ कहा नहीं। उसने कहा, माता पार्वती कहा जब उसने अपनी प्रकृति नहीं बदली तो मैं अपनी प्रकृति क्यों बदलूं? उसकी प्रवृत्ति काटने की है, उसने अपनी प्रवृत्ति को पूरा किया ना, मेरी प्रवृत्ति है उसका संरक्षण करने के लिए, वो तो माँ है, संरक्षण करना उनकी प्रवृत्ति है, तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। तो जब बुरे लोग अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते तो अच्छे लोग क्यों बदल देते हैं भाई? प्रकृति को बदलना नहीं चाहिए, बाकी सब बदल लो, अपनी प्रकृति अपना स्वभाव कभी मत बदलो। तो जब आपने कहा था कि मैं हायाबुसा लेना चाहता हूं, तो आपको शायद आपके पिता को पता ही नहीं था कि वो पैसे कितने की आती है। इग्नोर अबाउट दैट। जब उन्होंने आपको 50,000 रुपए दे दिए और आपने देखा 50,000 रुपए में ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली बाइक आएगी, सिर्फ ये आएगी, तो यू आर डिटरमाइनिंग योर बजट कि भाई इसमें यही आ सकता है। मैं क्या लेना चाहता था भूल गए? अब क्या सोच रहे हो क्या ले सकता हूं? तो जब हम सोचते हैं कि हम क्या लेना चाहते हैं तो भूल जाते हैं क्या ले सकते हैं, और जब सोचते हैं क्या ले सकते हैं तो भूल जाते हैं क्या लेना चाहते हैं। इन दोनों को जब एक दूसरे के सामने लाते हैं तो शायद ऐसी कोई एक वस्तु या अनेक वस्तुएं बन जाएं जिन्हें हम लेना चाहते भी हैं और ले भी सकते हैं। उनमें से वो जो हमें सबसे ज्यादा संतुष्ट करे उसे ले लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम हमेशा प्रतिदिन ऐसे ही अपना इक्विलिब्रियम बनाते हैं। रात को आप स्कूल में पढ़ते थे तो याद करके सोचो, रात को सोने से पहले मतलब डिनर रात का खत्म नहीं होता था, आप अपनी मम्मी से पहले पूछ लेते थे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या भेजोगे, है ना? ऐसा करते थे ना सारे, मेरे घर में तो रोज ऐसा होता है। अभी डिनर खत्म नहीं होता, पहले पूछ लेते हैं माँ से बच्चे सवेरे ब्रेकफास्ट में क्या भेजोगे, माँ कहती पहले ये तो खा लो, सुबह की सुबह सोचेंगे, डिनर खत्म नहीं हुआ। अब उनके मन में भैया मम्मी सुबह जो है वो ब्रेड पकौड़े भेज दे, मम्मी ने सुबह बना के भेज दी भिंडी, बच्चों को मिला सेटिस्फेक्शन ना? कब मिलेगा? जब वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाए। हम जो चाहते हैं ये बताने के लिए प्रोफेसर J.R. हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इस्तेमाल किया। अब उसे उन्होंने इंडिफरेंस कर्व क्यों कहा, समय आने पर इसका जवाब भी दूंगा। मैंने कहा है क्यों रखो अपने दिमाग में, क्यों, व्हाई। हम क्या ले सकते हैं ये समझाने के लिए उन्होंने बजट लाइन का इस्तेमाल किया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की मदद से बनाया। इसलिए इस अप्रोच को कुछ लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कह देते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारे यहां इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कोई भी एनालिसिस, कोई भी मॉडल, लॉ या प्रिजम्पशन बिना अजम्पशंस के, बिना स्टेटमेंट के काम नहीं करती। हम तो अपनी स्टेटमेंट्स पर चलते हैं बच्चे, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है, अपनी आइडियोलॉजी है, जिसे मानना है तो हमारे ही सिस्टम में मानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जरा स्टेटमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की क्या स्टेटमेंट है, सुनने में ध्यान लगाएंगे, समझने में ध्यान लगाएंगे। कहती है
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. टू गुड्स कौन से बेटे? टू गुड्स कौन से? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. टू गुड्स कौन से? लेट एक्स एंड वाई. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स लाइंग ऑन द गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस. गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर को अपना प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना आना चाहिए, और कंज्यूमर को प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना आना चाहिए का मतलब क्या है कि उसे अपनी चॉइसेस को एज पर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दोज चॉइसेस अरेंज करना आना चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन. कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, मीन्स उसे अपनी चॉइसेस को रैंक करना आना चाहिए. और ये किसको आएगा? जो रैशनल होगा, जो विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा. तो मींस यू मस्ट बी रैशनल, और जो रैशनल होगा उसे प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाना आता है. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स लाइंग ऑन द गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस गिव द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दो वस्तुओं के जितने भी कॉम्बिनेशंस एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर लगाए जाएंगे उन सबका सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए समान होगा. भाषा पे ध्यान रखेंगे. बट डिफरेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस गिव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, परंतु अलग अलग स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होगा. मोर द क्वांटिटी हायर द सेटिस्फेक्शन लेसर द क्वांटिटी लोअर द सेटिस्फेक्शन. जितनी क्वांटिटी ज्यादा उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा, जितनी क्वांटिटी कम उतना सेटिस्फेक्शन भी कम. मैं रिपीट कर दूं एक बार फिर, दो वस्तुओं के जितने भी कॉम्बिनेशन एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर लगाए जाएंगे उन सभी का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए एक समान होगा. कितना होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो क्वांटिटीफाई कर ही नहीं रहे, मेजर कर रहे हैं. एक समान होगा. ये देखो ना सारी कलर, ये सब चेयर्स हैं एक जैसी हैं, जिस पे मर्जी बैठ जाओ बैठने का सेटिस्फेक्शन तो एक समान ही होगा. हाँ मेरी वाले पे बैठोगे सेटिस्फेक्शन अलग आएगा, और कोई दूसरी वाली होगी तो बार बढ़िया उनका सेटिस्फेक्शन अलग आएगा. एक स्केल पर जितनी लगाई जाएंगी सबका सेटिस्फेक्शन एक समान, अलग अलग स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का सेटिस्फेक्शन अलग अलग. जिसमें क्वांटिटी ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा, जिसमें क्वांटिटी कम उसका सेटिस्फेक्शन कम. आपने देखा होगा आपके घर में कई बार मेहमान आते हैं, अब सर्दियों में मेहमान आते हैं तो मम्मी खाना खाने के बाद उनके लिए गाजर का हलवा लेकर आती है ना. अब गाजर का हलवा लेने के लिए मान लेते हैं घर में एक जैसी कटोरियां दो हैं, फिर एक जैसी कटोरियां दो हैं, फिर एक जैसी कटोरियां दो हैं, परंतु तीनों का साइज अलग अलग है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक और बड़ी है. मम्मी ने सभी में गाजर का हलवा भर दिया, सबसे पहले आपके सामने आया, कौन सी कटोरी उठाओगे? ऑब्वियस है भाई, मम्मी आखिर घूर के देखेगी, फिर कौन सी उठाओगे? तो बड़े बड़े मेहमानों के लिए था भाई गाजर का हलवा, सात्विक भोजन. मैं भटूरे भी ले सकता था, मैंने लिए नहीं, मैंने छोड़ो यार भटूरे अच्छे नहीं है. ये स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? बिल्कुल क्लियर है. अब चलो आगे जरा इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं. इस एग्जांपल को समझिएगा, कंसेप्ट काफी हद तक समझ में आ जाएगा. भाई हमारे पास एक कंज्यूमर है और हमारी इस कंज्यूमर का नाम है, आज सात्विक को पकड़ा हुआ है, सात्विक को ही पकड़ लेते हैं भाई. ठीक है स्पेलिंग सात्विक? डब्ल्यू और बी में कोई खास अंतर थोड़ा ना है, अंग्रेजी भाषा में दिक्कत यही है. एक तो साला प्रोनाउंसिएशन इतना बेकार है, एक्सेंट ही खराब है.
फिर भी सारे इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, समझ में नहीं आता मुझे, सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पांच ही वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, कुछ बड़ा वॉवल तो है ही नहीं। और जिस मर्जी क्षेत्र में चले जाओ, क्षेत्र के हिसाब से इंग्लिश का एसेंट बदल जाता है। साउथ इंडियन की इंग्लिश अलग होगी, बिहारियों की इंग्लिश अलग होगी, हमारी पंजाबियों की इंग्लिश अलग होती है, एक ही सेंटेंस का एक्सेंट सबका अलग अलग, तभी तो बेकार लैंग्वेज है। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हिडन है, हिडन है, साइलेंट है। अब भैया कैसी भाषा यार, कुछ हिडन भी है, साइलेंट भी है, और एक्सेंट भी सबका अलग अलग आता है, क्योंकि भाषा बोलने का कोई साइंटिफिक नियम ही नहीं है अंग्रेजी का। हमारी हिंदी भाषा बड़ी साइंटिफिक है, साले अंग्रेज कहते थे हम डर्टी पीपल हैं, साले तुम डर्टी पीपल हो। हमारी भाषा जैसी कोई भाषा ही नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं हमारे हिंदी के जो वर्णमाला आपने शायद बचपन में पढ़ी हो, क ख ग घ ण, साइंटिफिक है। जब आप बोलते हैं क ख ग घ ण, तो आपकी जबान एक एक स्टेप पीछे जाती है। अगर नोटिस कभी किया हो आपने तो क ख ग घ अंग, वो गले से आती है आवाज, वोकल कॉर्ड से। त थ द ध न, जबान से बोला। प फ भ भ म, होठों से बोला। अलग अलग चीजों का कितना इस्तेमाल है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। साले अंग्रेज कहते हैं उनकी लैंग्वेज साइंटिफिक है, क्या हमसे साइंटिफिक कुछ है क्या उनका? और पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में चले जाओ, संस्कृत के श्लोकों के बोलने का एक्सेंट हर एक का एक जैसा मिलेगा आपको, चाहे वो मद्रासी हो चाहे वो पंजाबी हो। अगर संस्कृत का कोई श्लोक बोल रहा होगा तो एक्सेंट एक जैसा आएगा, क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक गले का इस्तेमाल करती है वो, अंग्रेजों की तरह थोड़ा ना है साले कुछ हिडन और कुछ साइलेंट। तो बेटा डब्ल्यू में और वी में कोई फर्क नहीं है बेटा, खास एक ही है, टेंशन मत ले, है तो सात्विक है ना भाई। मान लेते हैं सात्विक हमारे एक कंज्यूमर हैं, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। अब हलवाइयों के पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं खाने पीने की, परंतु मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेता हूं हलवाई के पास दो ही तरह के फूड अवेलेबल थे, एक ब्रेड पकोड़े और एक राम लड्डू। वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो मूंग की दाल वाले जिसपे वो मूली और हरी चटनी डाल के खिलाते हैं। हा 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 हा, खाया कभी तुमने? तो उसे राम लड्डू कहते हैं। अब भगवान जाने पहली बार जिसे बनाए होंगे उसका नाम होगा राम, तो राम लड्डू हो गए भाई। सात्विक आपके सामने अपनी प्रेफरेंस शो करने जा रहे हैं, गोइंग टू शो ओनली हिज लाइकिंग्स, दैट हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ दीज टू गुड्स ही लाइक्स टू बाय। वो आपके सामने सिर्फ अपनी लाइकिंग शो करने जा रहा है कि वो ब्रेड पकोड़े और राम लड्डू की कितनी क्वांटिटीज लेना चाहता है, मात्र चाहता है। उसे नहीं मालूम, सात्विक को नहीं मालूम, इग्नोर अबाउट दैट, वो इग्नोर कर देता है इस बात को, इग्नोरेंस है इस बात की। किस बात की? उसे नहीं मालूम कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं इन दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए, और उसने हलवाई से पूछा भी नहीं कि भैया ब्रेड पकौड़ा कितने का है और भैया राम लड्डू कितने के हैं। He is absolutely ignored about that. जानता ही नहीं है कि जेब में पैसे कितने हैं इन दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए, जानता ही नहीं है इन दोनों का मार्केट प्राइस क्या है। राइट नाउ ही इज गोइंग टू शो हिज लाइकिंग्स ओनली, कि इतनी इन दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है। अब कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है, इसके लिए सात्विक आपके सामने अपना प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाने जा रहा है। मैं इसे नाम देता हूं एक्स, इसे नाम देता हूं वाई। ब्रेड पकौड़ा बड़ा वाला होता है तो इसकी प्रेफरेंस ज्यादा मान लेते हैं, इसकी प्रेफरेंस कम मान लेते हैं, ठीक है जी। अब जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा उसकी क्वांटिटी ज्यादा, जिसकी प्रेफरेंस कम उसकी क्वांटिटी कम, ऐसा कर लेंगे। ओके, तो पहला प्रेफरेंस ऑफ स्केल बनाने जा रहा है सात्विक आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक्स और वाई। सात्विक सोच रहा है एक ब्रेड पकोड़ा खा लेता हूं, साथ में 20 राम लड्डू ले लेता हूं, छोटे छोटे होते हैं वो 20 हो जाएंगे, ये एक हो जाएगा, बहुत है। अचानक सात्विक का मन बदलता है, हाँ बेटा बता दे हम भी लेंगे यार, लड़कियां हंस रही थी बात सुन के। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ हाँ एक ही है बेटा, तो इसमें होता क्या है, 5-6 ब्रेड पकौड़े और 100-200 लड्डू मैं खा दूं? ये भाई छोटे छोटे तो होते हैं, इतने से 20-25 तो बनाते बनाते टेस्ट टेस्ट में खा जाता हूं मैं। ओ ये होते क्या है, लड्डू जितना जैसे तो है, बंदा देखो 107 किलो का है,
ब्रेड पकौड़े, इतने इतने ब्रेड पकौड़े, 8-10 ब्रेड पकौड़े खा लेता हूँ इसमें नाश्ते में, चार तो मैं अभी लेके आया हूँ, ब्रेकफास्ट अभी तुम्हारी क्लास के बाद करूंगा, मतलब अभी तो परौंठे खा के आया हूँ चार, अभी तो इवन वो मिड डे वाला ब्रेकफास्ट करूंगा दोबारा। पंजाबी बंदे हैं भाई, क्या करें, भूख हमें लगती है, हम भूख को लगते हैं। सो ये अचानक किसका मन बदला कि यार बारिश का मौसम है और किसी ने मुझसे वादा किया था कि जब बारिश होगी तो पकौड़े लेके आऊंगा, लास्ट क्लास में वो आया ही नहीं, आज आया बिना पकौड़े के। छोड़ते हम नहीं है किसी को, पंजाबी बंदे हैं, मौका लगता है तो गोली जरूर मारते हैं। लास्ट क्लास में आई तू क्यों, हाँ तो बारिश हो रही थी, पकौड़े तो मैं भेज देती कम से कम, तो बेटा पकौड़े भेज देती ना, तूने थोड़ा खाने थे, मैंने खाने थे, आज भी तो बारिश हो रही थी। अचानक सात्विक का मन बदल गया, कह रहा भाई ब्रेड पकौड़े दो कर देता हूं एक की बजाय। अगर सात्विक ब्रेड पकौड़े की क्वांटिटी एक से दो कर दे और इन्हें 20 ही रहने दे, एक्स को 1 से 2 कर दे, वाई को 20 ही रहने दे, तो क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन 1:20 और 2:20 का सेटिस्फेक्शन समान होगा? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ने क्या लिखा है, इस स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर जितने भी कॉम्बिनेशन लगाए जाएं उन सबका सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए समान होगा, परंतु क्या इस स्थिति में होगा? नहीं होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटीज बढ़ गई, टोटल क्वांटिटी बढ़ेंगी तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी कैंसिल, कौन से कैंसिल, कि अगर कंज्यूमर एक वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है तो दूसरे की समान नहीं रख सकता। मान लो इसे बढ़ाकर उसने 25 कर दिया, तो क्या 1:20 एंड 2:25 इन दोनों का सेटिस्फेक्शन अब समान हो जाएगा? अब तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब तो दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई और सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया, तो दूसरी प्रपोजिशन भी कैंसिल, कि यदि कंज्यूमर एक की क्वांटिटी को बढ़ाए और दूसरे की भी बढ़ा ले तो सेटिस्फेक्शन समान नहीं होगा। अब एक ही बच गई ऑप्शन, यदि कंज्यूमर एक की क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो उसे दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ही नीड्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसे सेटिस्फेक्शन समान चाहिए, एक की क्वांटिटी बढ़ाएगा दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। होता है ना कई बारी मम्मी हमारे पास कटोरी में सब्जियां ले आती है भर के हमारे खाने की थाली में, तो हमें पता है कि हमारी खाने की कैपेसिटी कितनी है, तो हम क्या कहते हैं, मम्मी इसमें से ये सब्जी थोड़ी कम कर दो, जो कम पसंद है वो कम कर दो, जो ज्यादा पसंद है वो नहीं, जो कम पसंद है वो कम कर दो, कम कर दो, मैं इतनी नहीं खा सकता, वेस्ट हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसका मतलब एक के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, एक के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। बेटा कंज्यूमर के लिए सब कुछ आसान होता है, बस छोड़ना नहीं, बताया था मैंने आपको, वो सब कुछ करने को तैयार है बट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, नेवर रेडी टू सेक्रीफाइस, परंतु यहां तो उसे सेक्रीफाइस करना, एक्स के लिए वाई को छोड़ना पड़ेगा। तो मन में प्रश्न आया, अच्छा भाई छोड़ना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया, पड़ेगा क्योंकि इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए, परंतु प्रश्न ये आया कि कितना छोड़ूं, एक्स के लिए वाई को कितना छोड़ा जाए, हाउ मच टू सेक्रीफाइस, वी हैव टू सेक्रीफाइस बट द क्वेश्चन इज हाउ मच टू सेक्रीफाइस। एक्स की एक यूनिट के लिए, देखो एक बड़ा है ना, एक्स की एक यूनिट के लिए वाई की कितनी यूनिट्स छोड़ूं, रेट ऑफ सेक्रीफाइस क्या हो। तो याद कीजिए मैंने आपको पीपीसी के टॉपिक में रेट ऑफ सेक्रीफाइस तीन तरह की सिखाई हैं, इक्वल, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग। रेट ऑफ सेक्रीफाइस या तो इक्वल होगा या इंक्रीजिंग होगा या डिमिनिशिंग होगा, हमारे बिहेवियर पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर कौन सा अप्लाई होगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। पहला मान लेते हैं इक्वल बिहेवियर, इक्वल रेट ऑफ सेक्रीफाइस, इसका एक बढ़ाया उसे 19 कर दूं, फिर एक से तीन करूं, फिर उसको 18 कर दूं, फिर तीन से चार करूं उसको 17 कर दूं, मींस रेट ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल 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 कर दूं, क्या ये पॉसिबल है? तो जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। भाई क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि रेट ऑफ सेक्रीफाइस बराबर बराबर सिर्फ और सिर्फ तब होता है व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। अब एक राम लड्डू के बदले में एक राम लड्डू तो समझ में आता है, एक ब्रेड पकौड़े के बदले में एक राम लड्डू, ये समझ में नहीं आता, दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो इन दोनों के बीच में रेट ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल नहीं होगा। अब बच गई दो ऑप्शंस, या तो एक्स के एक के लिए जितना पहले वाई छोड़ूं अगली बार वाई का उससे ज्यादा छोड़ूं और अगली बार उससे ज्यादा छोड़ूं, मींस रेट ऑफ सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए,
या फिर जितना पहले छोड़ू अगली बार उससे कम छोड़ू, अगली बार उससे भी कम छोड़ू, रेट ऑफ सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, दो ही ऑर्डर बच गए, इक्वल ऑर्डर में तो काम नहीं कर रहा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर्स में से हमारे बिहेवियर पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर कौन सी एप्लीकेशन काम करती है, तो चलो विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। भाई मान लेते हैं सात्विक और उसका साथी, क्या नाम है बेटा तेरा? सौरभ, दोनों ही ऐसे हैं। सात्विक और सौरभ दोनों क्लास से निकलकर यहां से इस हलवाई की दुकान पर पहुंचे, ये ब्रेड पकौड़े और राम लड्डू खाने के लिए। सात्विक को ब्रेड पकौड़ा पसंद था, पहली बात। सात्विक और सौरभ दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, कौन से मित्र हैं? फास्ट फ्रेंड्स। घनिष्ठ मित्र का मतलब ये नहीं फास्ट फ्रेंड्स, वो तो मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश भाषा ही ऐसी है, समझ में कुछ नहीं आती है, पता देखो। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, एक बार आयकर अधिकारी के पास गए, कुछ आयकर के फॉर्म्स भरने थे, तो उन्होंने उससे फॉर्म मांगे, लाइए जी जरा फॉर्म दीजिए हम भर दें। तो आयकर अधिकारी ने उनको सचेत किया कि भाई साहब सभी फॉर्म्स इंग्लिश कैपिटल लेटर में भरिएगा। उसने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, इंग्लिश कैपिटल लेटर में भर देता हूं। अगले ने इंग्लिश कैपिटल लेटर में फॉर्म भर के उन्हें थमा दिया। आयकर अधिकारी ने जमा करने से पहले उन फॉर्म्स को चेक कर लेना, जांच लेना जरूरी समझा कि भाई ठीक भरा नहीं भरा। आयकर अधिकारी ने नाम पढ़ा और कंफ्यूज हो गए, कह रहे भाई साहब ये क्या भर दिया आपने, क्या नाम लिखा है आपने ये? कह रहे भाई अपना नाम लिखा है और क्या लिखा है? अरे तो लिखा क्या है, क्या नाम है आपका? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। कह रहे हां भाई मेरा नाम ही तो है, इंग्लिश में लिखा है। अरे है क्या? अरे भाई सुंदरलाल चड्ढा। अब बेटा अंग्रेजी भाषा का क्या करें, सुंदरलाल चड्ढा हमारे रेड ब्यूटीफुल अंडरवियर हो गए। तो घनिष्ठ मित्रता का मतलब फास्ट फ्रेंड नहीं है, मतलब नहीं है, तो खाली ट्रांसलेशन है। घनिष्ठ मित्रता का मतलब होता है दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, मेरी नजर में है, बाकी आप सोच जाने। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। तो ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, इसी फंडे पर जीते हैं कि दोस्ती पक्की, एक दूसरे का खून दे लेंगे परंतु खर्चा अपना अपना, पैसे नहीं देंगे भाई। तो पहुंच गया हलवाई की दुकान पर, सात्विक ने ऑर्डर किया भैया एक ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़े के पैसे कौन देगा? सात्विक, जिसने ऑर्डर किया। सौरभ ने ऑर्डर किया भैया एक राम लड्डू की प्लेट, 20 राम लड्डू उसमें, उसके पैसे कौन देगा? सौरभ। दोनों ने खर्चा अपना अपना कर लिया, परंतु ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, ये कब पता लगेगा? जब वो दोनों ये दोनों वस्तुएं शेयर करके खाएं, एक साथ बैठ के टेबल पर शेयरिंग से खाएंगे तो लगेगा ना दोनों दोस्त हैं, अलग अलग बैठ के खाएंगे तो फिर इसका मतलब दोस्ती क्या हुई? मिलके खाएंगे, बस हमने इनके मिलके खाने के इसी बिहेवियर को ध्यान से विजुअलाइज करना है। जब ये दोनों आमने सामने बैठकर, इधर सात्विक और इधर सौरभ, इधर ब्रेड पकौड़ा, इधर राम लड्डू रख लिए, तो बेटा सात्विक ने क्या किया, एक उल्टे हाथ में पूरा ब्रेड पकौड़ा उठा लिया और सीधे हाथ से राम लड्डू लपक रहा है। सात्विक क्या सोच रहा है कि ब्रेड पकौड़ा तो मेरा है, पैसे मैंने दिए, जो मेरा है वो, और ये उसका है जो मेरे पास नहीं है, परंतु जो तेरा है दोस्त है तू मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा है। मतलब ये अपना ब्रेड पकौड़ा देना नहीं चाहता परंतु उसका राम लड्डू खा लेना चाहता है। यही तो सौरभ सोच रहा है कि मैं अपने अपने राम लड्डू ना दूं और इसका ब्रेड पकौड़ा भी खा जाऊं। आप खुद से नोटिस कीजिए, हम जब भी कभी शेयरिंग के अंदर खर्चा कर रहे होते हैं तो हर व्यक्ति क्या सोच रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा गपड़ लूं, क्योंकि भैया पैसे तो मैंने दिए इतने, ज्यादा खाऊंगा तभी तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। क्या मतलब? इस बिहेवियर को जरा इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जो मेरे पास है उसकी वैल्यू मेरे लिए कम है और जो मेरे पास नहीं है उसकी वैल्यू मेरे लिए ज्यादा है। अपनी थाली का घी और दूसरी थाली का लड्डू सबको अच्छा लगता है, तो भैया अपना तो कुछ नहीं है, उसकी थाली में लड्डू है। पंजाबियों में कहावत भी है, अपनी अकल और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। फैक्ट है बेटा, किसी भी पंजाबी बंदे को देख लेना तुम, अपनी जनानी के साथ बुलेट के ऊपर बैठ के आराम से डुक डुक करता जा रहा होगा, पीछे जनानी भी सोनी होगी क्योंकि पंजाबियों की जनानियां सोनी होती हैं, परंतु सामने से जब कोई और दूसरा पंजाबी निकलेगा अपनी बुलेट पर अपनी जनानी के साथ, तो ये बंदा अपनी को छोड़ के उसकी को देख रहा होगा, वो इसकी को देख रहा होगा। अंडरस्टूड है बेटा। और आज वैलेंटाइन पे तुम चले जाओ
कमला नेहरू पार्क बोंटा या बुद्धा गार्डन या तुम्हारे यहाँ पास में तालकटोरा स्टेडियम, जो बंदे कपल्स जा रहे होंगे, कपल वाला बंदा अपने वाले को तो देख नहीं रहा होगा, दूसरे वाले को देख रहा होगा, क्योंकि जो अपना है उसकी वैल्यू कम है और जो अपना नहीं है उसकी वैल्यू, यही कारण है हमारे यहाँ पंजाब हाईवे के ऊपर NH1 पे जाते हो ना कभी टूवर्ड्स अमृतसर, कोई गया कभी NH1? तो वहां पंजाबी में लिखा हुआ मिलता है, जब पंजाब आ जाता ना, पंजाब आ जाता है तो वहां पंजाबी में लिखा होता है, होर्डिंग लगी हुई है पिक्चराइज करके, कुत्ता पैंस ते सोनी जनानी तिन्ना ही एक्सीडेंट की निशानी है, बकायदा पिक्चर बनी हुई है, कुत्ता पैंस ते सोनी जनानी तिन्नो ही एक्सीडेंट की निशानी, क्यों? क्योंकि तीनों के चक्कर में बंदे का ध्यान भटकता है, और ध्यान हटा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जो है उसकी वैल्यू कम और जो नहीं है उसकी वैल्यू, अब यहां देखो एक्स की क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं 1, 2, 3, 4 तो इसका मतलब क्या है, एक्स की क्वांटिटी बढ़ने से एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए कम हो रही है, और इसके लिए मुझे वाई को छोड़ना पड़ रहा है, मतलब वाई की क्वांटिटी कम होगी, भाई वाई की क्वांटिटी कम होगी, अब जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना भाई, आज आपकी घर में कोई मेहमान आए हुए थे दोपहर को, मम्मी ने उनके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया था, शाही पनीर बनाया, दाल मखनी बनाई और शाही गोभी बनाई, आप लोग तो क्लासेस में पढ़ रहे थे तो आप लोगों को तो इसका हिस्सा मिला नहीं, शाम को जब 5 बजे घर पहुंचे पड़ा के, रात के डिनर की बात हुई तो मम्मी, आपकी मम्मी आखिर बच्चों के लिए प्रेम करती हैं, उन्होंने एक कटोरी में चुपके से आपके लिए छोटा सा शाही पनीर बचा के रखा हुआ था और शाम को उन्होंने पीले वाली दाल और बना ली, आपको जब भोजन परोसा गया तो उन्होंने छोटी कटोरी शाही पनीर की और साथ में बड़ी कटोरी दाल की रख दी, आप भोजन शुरुआत कहां से करोगे और खत्म भी कहां होगा, क्योंकि जो कम है उसकी इंपॉर्टेंस और जो ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस, अब शाही पनीर के साथ दाल कौन देखता है बेटा, मींस एक्स के लिए वाई को छोड़ना है, और वाई को छोड़ना भी है तो कैसे छोड़ोगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे या ज्यादा ज्यादा छोड़ोगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे ना, क्यों, क्योंकि वाई बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, वाई की क्वांटिटी कम होने पर वाई की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जो रही है, क्योंकि जो कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा और जो ज्यादा होता है उसकी वैल्यू, और ये बात तो हम पंजाबियों पे कूट कूट के लागू होती है, हाँ बेटा ज्यादातर तो चीजें पंजाबियों से शुरू होती है, अब आप जानते हैं हमारे यहां पंजाबियों में क्या होता है, पी फॉर पंजाबी एंड पी फॉर पकौड़े, ऑलवेज रेडी, तो हमारे यहां जब कोई शादी का प्रोग्राम होता है, घर में कोई शादी वादी होती है, तो हम लड़की वालों को क्या कहते हैं कि भाई जो घुड़चड़ी है, मतलब रीसेम्बल और जो है जो बरात है, तो रीसेम्बलिंग जो है उसका पॉइंट डिसाइड होता है कि भाई वो वेन्यू से आधा किलोमीटर किलोमीटर पहले, कि वहां से दोबारा रीस्टार्ट करेंगे शादी, बरात वहां से शुरू होगी दोबारा, तो वहां पर कुछ खाने वाने का इंतजाम करा दीजिएगा, भाई बरात वहां पे इकट्ठी होनी है तो कुछ खाने वाने का इंतजाम करा देना, पीने का तो हम खुद कर लेंगे, खाने का करा देना, अब खाने का भी इंतजाम क्या करा देना, तो बेटा पंजाबियों को कोई वो चिड़बड़ा या कोई वो क्या नाम है तुम्हारा वो जो आजकल टीवी में आता है जो गुजराती लोग खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फाफड़ा लाखड़ा ये ना खाना होता है, पंजाबियों को तो क्या खाना है, पकौड़े खाने, तो लड़की वालों को कहते हैं भैया पकौड़े वकोड़ों का इंतजाम कर देना, बाकी तो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना रिसेंबलिंग पॉइंट पर, अब लड़की वालों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया तो लड़की वालों को पकौड़े बनाने पड़ेंगे, और लड़की वाले भी पकौड़े बनवाते हैं, परंतु सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी पकौड़े होते हैं, आलू के, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं और सबसे कम कौन से होते हैं और सारे कौन से ढूंढ रहे होते हैं, सारे ढूंढ रहे होते हैं ना वेन्यू में, यार पनीर का पकौड़ा कितने पे आया यार, ढूंढ रहे हैं ना पनीर पकौड़ा, क्यों, क्योंकि वो कम है इसलिए, हाँ वो बात अलग है पीने के बाद हमें आलू और पनीर में ज्यादा फर्क कुछ नहीं लगता, हमारे सब बराबर है, पर फिर भी जो कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमें एक्स को बढ़ाना है वाई को घटाना पड़ेगा, और हमने अब अपने इन डिफरेंट एग्जांपल से ये कंक्लूजन निकाला कि कंज्यूमर का बिहेवियर कहता है कि जिसकी क्वांटिटी बढ़ रही है उसकी वैल्यू घट रही है, और जिसकी क्वांटिटी घट रही है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और जिसकी एडिशनल वैल्यू बढ़ रही हो उसे छोड़ना भी पड़ेगा, तो कंज्यूमर हमेशा थोड़ा 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 ही छोड़ना चाहेगा, ज्यादा ज्यादा छोड़ना नहीं चाहेगा, तो चलो इसके हिसाब से बना लेता हूं मैं, पहले मैंने एक के लिए, एक एक्स के लिए मान लो 8 वाई छोड़े, देखो डिफरेंस देखो 8 आया, अब मैं सिर्फ 4 ही छोड़ने को तैयार हूं,
अब मैं सिर्फ दो ही छोड़ने को तैयार हूं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई। नाउ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस विच आर लाइंग ऑन दिस गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस गिव यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इन सबका सेटिस्फेक्शन आपके लिए एक समान होगा। एक सेट और बना लेते हैं, सेट टू विद सेम प्रपोजिशन एक्स और वाई, क्वांटिटी चेंज कर देता हूं परंतु प्रपोजिशन सेम रहेगी बेटा। एक्स के ज्यादा के लिए वाई का कम से कम छोड़ा जा रहा है। सेट थ्री एक्स वाई, क्वांटिटी चेंज कर देता हूं, प्रपोजिशन समान है। अब ध्यान दो, मैं एक बार रिपीट कर दूं। एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर दोनों कमोडिटीज के जितने कॉम्बिनेशन लगाए गए हैं इन सबका सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए समान है। अलग अलग स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के लिए अलग अलग है। इनमें से जिसमें क्वांटिटीज ज्यादा होंगी उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा, जिसमें क्वांटिटी कम उसका सेटिस्फेक्शन कम। बात क्लियर है सबको यहां तक अच्छी तरह से? ठीक है, तो फिर सोच के बताओ कि यदि तुम कंज्यूमर होते सात्विक की जगह तो इन तीनों सेटों में से कौन से सेट में से कॉम्बिनेशन लेना चाहते? फर्स्ट में से, सेकंड में से या थर्ड में से? थर्ड में से। क्यों? वेरी गुड, हम सेट थर्ड में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेना चाहते। क्यों चाहते? आप पहले वाले को देख सकते हो, इसमें क्वांटिटीज x की सबसे ज्यादा है, y की तो सब जगह समान है, इसमें x की सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम, इससे उससे कम। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? कि सेट 3 का सेटिस्फेक्शन सेट 2 से ज्यादा होगा और सेट 2 का सेटिस्फेक्शन सेट 1 से ज्यादा होगा। इसलिए कंज्यूमर को चॉइस मिले तो वो कहां से लेगा? सेट थर्ड में से लेगा। क्यों? क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन लाइंग इन सेट थर्ड गिव द कंज्यूमर मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू सेट 2 एंड 1। क्लियर है बात यहां तक? चलो अब ध्यान दो, अब मैं इसका नामकरण करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, कोई नहीं बताएगा आपको मेरे अलावा, पहले भी पढ़ चुके होगे शायद, 12th में पढ़ा ना कंसेप्ट, किसने बताया इसे ऑर्डिनरी यूटिलिटी क्यों कहते हैं? नहीं बताया, 99% टीचरों को पता ही नहीं ऑर्डिनरी यूटिलिटी क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं। अब ध्यान दो, इंडिफरेंस कर्व क्यों कहते हैं उस पर आ रहा हूं। नाम क्यों रखा इसका? यही नाम तो कुछ और भी रख सकते थे, यही क्यों रखा? तो जरा ध्यान दो, मान लो मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं इस सेट टू में से ये 3:12 लेना चाहता हूं। मेरी ओपिनियन है, मेरी मर्जी है, मैं लेना चाहता हूं। सात्विक बोला नहीं सर ऐसा करो 5:6 ले लो। क्या सात्विक के कहने पर मैं अपनी ओपिनियन को चेंज करके 3:12 को छोड़ के 5:6 ले लूं? आई एम रेडी टू चेंज। अभी मैंने कहा था चेंज इज द ओनली one thing which is permanent in this world and consumer is always ready to change, always ready to change, but kab jab uska satisfaction badalta ho to tab to badlega, warna kya badlega? Consumer to lalchi hai. Dekho bhai, maan lete hain, kya naam beta tera? Amisha. Bhai maan lete hain Amisha रोज अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक आने के लिए और मेट्रो स्टेशन से अपने घर तक जाने के लिए रिक्शा हायर करती है। अब एक रोज रिक्शा पे आने जाने से रिक्शा वाला के साथ जान पहचान हो जाना लाजमी बात है, पहचान जाते हैं भाई ये हमारा कस्टमर है डेली का, तो पैसों की बार्गेनिंग भी नहीं, चिक चिक भी नहीं, ऑलरेडी पैसे डिसाइडेड है भाई, आने जाने का डिस्टेंस का 10 रुपया लगता है। तो रिक्शा मेट्रो से उतरती है, हमेशा देखती है रिक्शा वाला खड़ा है अपने वाला, चलो भैया, चलो भैया ने घर जाके छोड़ दिया, 10 रुपये ले लिए, बात खत्म। प्रतिदिन का यही सिलसिला है। आज जब मेट्रो स्टेशन पर अमीषा उतरी, देखा जो रिक्शा वाला प्रतिदिन ले जाता था आज वो वहां अवेलेबल नहीं है और दूसरा रिक्शा वाला खड़ा है,
मिनट के लिए वेट किया कि शायद वो आ जाएं, प्रतिदिन से चल रहे हैं तो जिग जिग नहीं करनी पड़ेगी, 5 मिनट भी हो गए नहीं आए, तो इन्होंने, जो रिक्शा वाला खड़ा था, पूछा भाई चलोगे, बोला चलूंगा, बोला पैसे, बोला 20 रुपये, नहीं 20 रुपये बहुत ज्यादा, मैं तो रोज जाती हूँ 10 रुपये में, कंज्यूमर है ना, फालतू क्यों देगा, मैं तो रोज जाती हूँ 10 रुपये में, बोला नहीं 10 रुपये तो जाऊंगा नहीं, मैं 15 लूंगा कम से कम, 10 रुपये नहीं जाऊंगा। इसने यहां देखा वहां देखा, भाई अपना वाला आता हुआ दिखाई दे कहीं से, नहीं दिखाई दिया, अल्टीमेटली रिक्शे पर बैठ गई। ओके ठीक है, बैठ गई, जैसे ही बैठी पीछे से रिक्शा वाला जिन पर रोज ये जाती थी वो आ गया, अरे दीदी कहां जा रही हो, मैं तो आपके लिए भागा भागा आ रहा हूं, आप कहां चल पड़ी, क्या करें हमेशा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हायर कर लिया उसी के साथ रखें या अवॉइड कर दें। कंज्यूमर कितना लालची है साला, 5 रुपए के लिए अवॉइड कर दिया 5 रुपए के लिए, मतलब कोई ईमानदार ही नहीं है यार, फिर क्या फायदा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का हमारे को है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड होगा ना भाई, 5 रुपए के लिए कंज्यूमर जब पूजा पढ़ाए ना ये तो कहना कि 5 रुपए के लिए हम बदलने को तैयार है, 5 रुपए के लिए इसे बदल दिया, क्यों, सेटिस्फेक्शन बदल रहा है ना भाई, परंतु क्या सात्विक के कहने पर मैं 3:12 से 5:6 पे आ जाऊं, ना नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, क्योंकि इस सेट के सभी कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन तो मेरे लिए एक समान है, जब सेटिस्फेक्शन में बदलाव नहीं आ रहा तो इसके कहने पर मैं बदलूं क्यों, मुझे ये कहता कि सर 3:12 छोड़ दो, 5:8 ले लो, आई एम रेडी टू चेंज, मैं बदल जाता, परंतु इस सेट के किसी भी कॉम्बिनेशन में मैं इंटरचेंज करने को तैयार नहीं हूं, बिकॉज ऑल कॉम्बिनेशंस लाइंग इन दिस स्केल ऑफ प्रेफरेंस गिव मी द इक्वल, सेम नहीं, मैंने बोला अभी तक एक बार भी वर्ड सेम, सुनो ध्यान से, बोला मैंने एक बार भी वर्ड सेम नहीं बोला, 99.9% टीचर गलती करते हैं यहां पे, सेम वर्ड बोलते हैं, सेम क्वांटिफाइड वर्ड होता है, और आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वल, इक्वल को मेजर करते हैं, क्वांटिफाई नहीं करते, शब्दों की तो कहानी है बेटा, गेम ही शब्दों की है, नॉलेज के पीछे भागो, पेपर के पीछे मत भागो, पेपर पास हो जाएगा उसकी कोई टेंशन नहीं है, डजंट मैटर, नॉलेज पकड़ो, मैंने बोला था एक बार भी की सेम वर्ड, एक बार भी नहीं बोला, क्या बोल रहा हूं, इक्वल, क्योंकि सभी का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए एक समान है, इसलिए अब यहीं से इसका नाम पड़ा, कैसे, व्हेनेवर अ कंज्यूमर पिक्स अप एनी वन कॉम्बिनेशन फ्रॉम एनी वन स्केल ऑफ प्रेफरेंस ही इज टोटली इंडिफरेंट टुवर्ड्स द अदर कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम स्केल ऑफ प्रेफरेंस। जब कंज्यूमर किसी एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस में से किसी एक कॉम्बिनेशन को पिक कर लेता है, ढूंढ लेता है, पसंद कर लेता है, तो वो बाकी सभी कॉम्बिनेशंस की तरफ से अपना ध्यान हटा देता है, क्यों, क्योंकि ऑल कॉम्बिनेशंस गिव द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अन्यों की तरफ से लापरवाह हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है। मैंने अपने प्रश्न को समझाने के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में सात्विक को पकड़ लिया, मेरा ध्यान कहां गया, सात्विक पर, बाकियों की तरफ से मैंने अपना ध्यान हटा दिया, इवन दो आप सभी मेरे लिए इक्वली प्रेफरेबल हैं, फिर भी मैं फिलहाल किसके बारे में बात कर रहा हूं, सात्विक के बारे में, मींस जब मैंने इसे पिक किया तो बाकियों की तरफ से मैंने अपना ध्यान हटा दिया, आई एम इंडिफरेंट टुवर्ड्स द अदर, दैट्स व्हाई द कंज्यूमर्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ स्केल इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इसे कंज्यूमर प्रेफरेंस कर्व भी कह सकते थे क्योंकि आपकी प्रेफरेंस को ही तो ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, परंतु आपकी प्रेफरेंसेज अलग अलग कॉम्बिनेशन में समान हो यह जरूरी तो नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है उससे जिसे आपने पिक किया, यहां पे हमने क्या माना, समान होनी चाहिए, इसलिए एक की तरफ ध्यान लगाने पर बाकियों की तरफ से अपना ध्यान हटा दिया जाता है, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स द अदर कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम स्केल ऑफ प्रेफरेंस, दैट्स व्हाई द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ स्केल इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिफरेंस कर्व। अब होता है ना, कभी आप किसी शादी के समारोह में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे मीठा खाने के लिए वो रसगुल्ले वाला एक बड़ा सा बाउल पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे रसगुल्ले हैं गरम गरम फर्स्ट क्लास, आपने वहां से वो करछी उठाई और एक रसगुल्ला उठाया डाल लिया खाने के लिए। ऑर्डिनरी पीपल डू सेम काइंड ऑफ जॉब, बट व्हाट अबाउट द पंजाबीज, कौन है पंजाबी हमारी क्लास में, हाथ खड़ा करो, पंजाबी लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, बोलो, अट्टला नलायक। एक एग्जांपल और लो, फिर पूछूंगा तुम्हारे से, आप वो गजरेले वाली चस्त्री के पास गए, करछी उठाई, गजरेला उठाया और अपनी प्लेट में डाल लिया
ऑर्डिनरी पीपल ऐसा ही करते हैं, व्हाट अबाउट द पंजाबीज, वो क्या करते हैं? अबे लालची नहीं होते पंजाबी साले, दिल वाले होते हैं, करते क्या है ये बताओ, पंजाबियों की नाक कटाओगे तुम? अबे पंजाबी लोग करछी वहां नहीं लगा रहे होते जहां सब लगा रहे होते हैं, पंजाबी लोग करछी वहां लगाते हैं जहां सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं। रसगुल्ले की टेबल को पहले ध्यान से देखते हैं, सबसे मोटा वाला रसगुल्ला कौन सा है, वहां से उठाएंगे भाई, वहां से उठाएं जहां से उठा रहे हैं, वहां तो आम लोग उठाते हैं बड़ा वाला, क्यों? क्वांटिटी ज्यादा, सेटिस्फेक्शन भी। जब आपने वहां से उठाया तो आपका ध्यान बाकी एरिया की तरफ से हट गया। तुम लोगों ने पंजाबियों का बिहेवियर देखा ही नहीं यार, हट नलायक हो तुम, नाक कटाई तुमने मरी। देखो बेटा देखो, हम पंजाबी हैं बनिए नहीं है कि भर के जेब में घर ले जाएंगे है? चलिए दोनों तरफ शो करते हैं जी, दिस इज कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स। आपने अभी भी देखा दोनों कमोडिटीज में कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। और आप पढ़ के आए हैं जब दो चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? इसका मतलब इन प्रेफरेंसेस को प्रेजेंट करने वाला ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। अब डाउनवर्ड होते हुए स्लोप कैसा होगा? तो स्लोप मैंने आपको बताए थे तीन तरह के हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं है, ये कॉन्केव नहीं हो सकता क्योंकि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स। कैसा होगा? तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ओरिजिन। ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व गिव द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सभी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर हैं, इन सभी का सेटिस्फेक्शन हमारे कंज्यूमर के लिए एक समान है, एक समान है। अब आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, ऑल गिव यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट्स व्हाई यू आर इनडिफरेंट अमंग ऑल द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व। इसलिए आप एक ही इनडिफरेंस कर्व के सभी कॉम्बिनेशंस में क्या हैं? इनडिफरेंट हैं। मैं आप सभी के लिए, मेरे लिए आप सभी की प्रेफरेंस इक्वल है, परंतु एग्जाम्पल के लिए किसी एक को चूज करने पर मेरा ध्यान बाकियों की तरफ से हट जाना स्वाभाविक है। That's why the graphical presentation of consumer's preference of scale is called as indifference curve. तो indifference curve क्या है? लिख लेते हैं जी। Indifference curve is the graphical presentation of the consumer's preference of scale It shows all those combinations of two goods among which the consumer is indifferent because they give the consumer equal level of satisfaction. क्या ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है जी? किसी को कोई बात दोबारा पूछनी हो तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो पूछने के लिए दोबारा पूछ सकता है। कोई नहीं, हटा दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिखाया तो इंडिफरेंस कर्व, अनेक दिखाओगे तो कहलाएगा इंडिफरेंस मैप। Indifference map means presentation of two or more indifference curves together
इज इंडिफरेंस मैप. दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ शो करना इंडिफरेंस मैप कहलाता है. दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ शो करना इंडिफरेंस मैप कहलाता है. बना कर देख लेते हैं. कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स. आई सी वन, आई सी टू, आई सी थ्री, पॉइंट. द सेटिस्फेक्शन लाइंग ऑन आई सी थ्री ऑन पॉइंट आई मोर देन पॉइंट एल और मोर देन पॉइंट ए मोर देन पॉइंट बी. क्या मतलब? हायर द इंडिफरेंस कर्व higher the level of satisfaction, lower the indifference curve, lesser the level of satisfaction. Jitna ucha, satisfaction jada, jitna nicha, satisfaction kam. Baat clear sabko? Achhi tarah se? Chaliye zara jaan lete hain, indifference curve analysis ki assumptions kaun kaun si hain. Assumptions of indifference curve analysis. One, the old one, rationality. हम मानते हैं हमारा कंज्यूमर रैशनल है, विवेकशील है, बुद्धिमान है. और बुद्धिमानी कहती है ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर ही फोकस रहेगा. और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां होगा? एट हायर इंडिफरेंस कर्व. मतलब जब भी कभी आपको अपने लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, चॉइस करने का मौका मिलेगा, तो कहां जाओगे? हायर इंडिफरेंस कर्व पर. क्यों? क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दूसरा, नाउ यूटिलिटी इज ऑर्डिनली मेजरेबल. प्रोफेसर एक्स कहते हैं यूटिलिटी अब ऑर्डिनली मेजरेबल होती है. मीन्स इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक्स. आप इसे रैंक देकर मेजर कर रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट. सो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ओनली मेजर्स नॉट quantifying utility. Ordinal measurement utility को सिर्फ measure कर रहा है in terms of ranks, उसे quantify नहीं कर रहा किसी भी term में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं पैसे कितने हैं हमारे पास, market price इनका क्या है. हम तो सिर्फ अपनी liking show कर रहे हैं कि हम ये लेना चाहते हैं. Third, हमारे बिहेवियर पर एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये प्रिंसिपल कहता है जैसे जैसे आप कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है. बट इन एडिशन जैसे जैसे आप कमोडिटी वाई की क्वांटिटी को घटाते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ इक्वल सेटिस्फेक्शन. क्योंकि आपको एक समान संतुष्टि चाहिए सभी कॉम्बिनेशन से. इसीलिए देयरफोर consumer likes to sacrifice only lesser and lesser of y, यहां पर y जो हमने equation बनाई थी, for more and more of x.
एक्स के ज्यादा से ज्यादा के लिए कंज्यूमर वाई का कम से कम ही छोड़ना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स कम यूजफुल है और वाई ज्यादा यूजफुल हो गया, इसलिए। सो आप कह सकते हैं जी एम आर एस एक्स वाई, एक्स के लिए वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स के लिए वाई, मतलब एक्स आया वाई गया। और आपको रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पहले भी, डेल्टा लॉस, यहां लॉस किसका होगा? लॉस ऑफ वाई अपॉन डेल्टा रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ किसका? रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ एक्स। एक्स के लिए वाई तो वाई अपॉन एक्स, वाई के लिए एक्स तो एक्स अपॉन वाई। ध्यान से पढ़ना पेपर में किसके बारे में पूछा, एक्स के लिए वाई है, वाई के लिए एक्स है, ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, पढ़ लो वहां पे एक्स के लिए वाई, यहां देखना क्या लिखा है, तब इसे कैलकुलेट करना, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर, क्योंकि यहां प्रिंसिपल ये काम कर रहा है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ओरिजिन, क्योंकि हमारे बिहेवियर पर प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस काम करता है, इसलिए हमारे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा हो गया? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ओरिजिन। फोर्थ अजम्पशन, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। हम मानते हैं हमारा कंज्यूमर कंसिस्टेंट है, एक जैसा बिहेवियर ही दिखाता है हमेशा। मैंने आपसे पूछा भैया सेब पसंद है आम, आपने कहा जी आम। छह महीने बाद कहीं और मिले, मैंने पूछा आजकल क्या पसंद है, सेब या आम, आम। छह साल बाद फिर मिले, मैंने पूछा बेटा आप क्या पसंद है, सेब या आम, आम। बिहेवियर कैसा है? कंसिस्टेंट बिहेवियर कैसा है? और अगर आप ध्यान से टेबल में देखो, टेबल में देखो, तुम्हें टेबल नहीं है ना, ध्यान से टेबल में देखो, मैंने टेबल में तीनों टेबल्स के अंदर एक्स को बढ़ाया है, वाई को घटाया है, क्योंकि मैंने एक्स को प्रेफरेंस वाई से ज्यादा दी थी। इसका मतलब मैंने तीनों टेबल्स में क्या शो किया है? कंसिस्टेंट बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? मीन्स इफ यू प्रेफर एक्स ओवर वाई इन वन सिचुएशन, देन वाई कैन नॉट बी प्रेफर्ड ओवर एक्स इन एनी अदर सिचुएशन। दिस इज कंसिस्टेंट बिहेवियर। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस क्या मतलब? वाइड बिहेवियर, क्लियर बिहेवियर, दो से ज्यादा में भी एक समान बिहेवियर। मतलब इफ यू प्रेफर ए ओवर बी, बी ओवर सी, सी ओवर डी इन वन सिचुएशन, एंड इफ इन एनी अदर सिचुएशन यू हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन ए एंड डी ओनली, अगेन यू प्रेफर ए ओवर डी। प्रेफरेंस कभी ओवरलैप करेगी ही नहीं, प्रेफरेंस कभी ओवरलैप नहीं करेगी। इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो क्या लिखूंगा, हिंदी में क्या लिखूं इसको, कि इफ कंज्यूमर प्रेफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व, देन द सेम cannot be preferred on higher indifference curve। Transitivity of choice का मतलब होता है यदि आपने किसी एक combination को lower indifference curve पर पहले से ही preference दे दिया है तो समान को, उसी combination को अब higher पर preference नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया सकता? क्योंकि different indifference curves show the different level of satisfaction। अगर एक ही पॉइंट को दो जगह दिखाओगे तो उस पॉइंट पर तो दोनों का सेटिस्फेक्शन समान हो जाएगा, हमारी assumption ही काम नहीं करेगी। Assumption काम नहीं करेगी तो बेटा मॉडल भी काम नहीं करेगा। एंड द लास्ट assumption इज नॉन स्टाइटी assumption। प्रोफेसर मार्शल ने मानी थी स्टाइटी assumption, अगर आपको याद हो तो, कि कंज्यूमर एक वस्तु से उसकी अंतिम सीमा तक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। परंतु एक कहते हैं जी नहीं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप बाजार गए, 10 दुकानें घूमे, 100 वस्तुएं खुलवाई, उसके बाद एक वस्तु खरीदी, पूरी तरह से संतुष्ट हो गए भैया कि जो लेना चाहता था वो मिल गया। परंतु क्या आप पूरी जीवन के लिए सिर्फ उसी वस्तु से काम चलाओगे? जी नहीं,
एक साल बाद, छह महीने बाद, दो महीने बाद, दो साल बाद आपको कुछ नया खरीदने की इच्छा जाहिर हो जाएगी। मतलब आप किसी वस्तु से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हमेशा के लिए हो जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। आज है, अभी है, इट इज पॉसिबल, परंतु हमेशा के लिए हो गए नेवर पॉसिबल। मीन्स योर TU इज मैक्सिमम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व, बट योर MU कैन नेवर बी जीरो। आपकी TU हर पॉइंट पर मैक्सिमम हो सकती है, परंतु MU कभी भी जीरो नहीं होती। कल जिन्हें हम वैलेंटाइंस के डे पर फूल, गुलाब और चॉकलेटें भेजा करते थे, अपने बारे में बता रहा हूं भैया, कल मतलब पास्ट, कल जिन्हें हम वैलेंटाइंस के डे पर फूल, चॉकलेट और टेडी बियर और भालू, अबे वही तो होता है लालू, ये सब दिया करते थे, आज हमारे टिफिन में वो घिया, करेला और तोरी भेज रही हैं। क्या फायदा वैलेंटाइन मनाने का है, कम से कम आंसू चोड़े भेजनी चाहिए ना, घिए, टिंडे, तोरी, ये खाओ। मैं कहा याद कर कितनी चॉकलेट खिलाई है मैं तुम्हारे को। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिलहाल यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, शब्बा खैर, थैंक यू, जय हिंद।